बड़े बड़े से दिग्गज और बड़े बड़े से बल्लेबाज जो न कर पाए वो कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने कर दिया। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा और रिंकू सिंह का ऐसा तूफान आया जिस तूफान में पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम उड़ी चली गई। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए वो इस टी20 के पहले मुकाबले के पहले ही दिन कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने कर दिखाया। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने बरसों साल पुराना नहीं बल्कि 400 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करके इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे इस छोटी सी वीडियो में। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब पहले टी20 मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर के टॉस गिरा, जहां पर टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया। और इंग्लैंड के गेंदबाज इस बात को सुनकर के काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि पहले हम घातक खुका विस्फोट गेंदबाजी करके भारतीय टीम को के ऊपर काफी बड़ा दबाव बना देंगे। लेकिन शायद ये उनकी सोच उन्हीं पर हावी हो गई। कप्तान रोहित शर्मा और जब यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही एक ओवर में दो कवर ड्राइव चौके और दो गगन आसमानी छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला एकदम तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज समझ गए आज कुछ तो यहां पर होने वाला है। इंग्लैंड के कई गेंदबाज ऐसे थे जो तीसरे ओवर में रोहित शर्मा का बल्ला चेक करने के लिए आ गए थे कि आखिरकार रोहित शर्मा के बल्ले में ऐसा क्या है जो बॉल लगते ही सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। सब कुछ आपको पूरा का पूरा हाईलाइट दिखाएंगे, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। तो वहीं 21 साल का होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे जाने वाला है। यशस्वी जायसवाल 21 साल का है होनहार बल्लेबाज, इसने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके लगातार और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। दोनों बल्लेबाज एक दूसरे की मदद से तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक इस बार टिक नहीं पाए और मैच 37 रन बना करके 8वें ओवर की 4थी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे यशस्वी जायसवाल आउट हुए, मैदान पर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल पर भारतीय टीम को काफी ज्यादा बड़ा भरोसा है और ये बल्लेबाज भी भरोसे के लायक है। लेकिन इस बल्लेबाज ने टेस्ट जो है पहले टी20 मुकाबले में जो है काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की चौके से शुरुआत की, लेकिन यह बल्लेबाज महज 8 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता देख गया और क्लीन बोल्ड हो गया। लेकिन उसके बाद विराट कोहली मैदान पर जब आए तो उन्होंने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करनी स्टार्ट की और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। विराट कोहली टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं क्योंकि विराट कोहली जब तक मैदान पर है भले ही चाहे वो एक ओवर ना बना पाए लेकिन भारतीय फैंस और टीम को एक उम्मीद रहती है कि इस मुकाबले को हम जीत लेंगे। और हालांकि वही हुआ, विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके छक्के से शुरुआत की और तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा का साथ भी दिया लेकिन वो भी ज्यादा तक टिक नहीं पाए और यहां पर जो है 12वें ओवर की 6थी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे और महज 21 रन बनाकर के पवेलियन का रास्ता दे गए। लेकिन उसके बाद मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, वो चट्टान है जिसने यहां पर आते ही छक्के चौके बरसाने शुरू कर दिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को जम करके धो दिया। सूर्य का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चलने लगा। इंग्लैंड के गेंदबाज से लेकर के कप्तान तक की रूह कांप गई। कुछ देर के लिए कोच राहुल द्रविड़ को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव आउट हो गए तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यहां पर उनके फैंस के भी आंख से आंसू छलक आए क्योंकि रोहित शर्मा धीरे धीरे 18 ओवर तक जाते जाते 150 रन ठोक चुके थे और अभी भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए फिर घातक विस्फोटक शेर आ गया जिसका नाम था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसको महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह ने यहां पर जो है पहले टी20 मुकाबले में तूफानी विस्फोटक अंदाज में अंग्रेजों को धोना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हर किसी बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया और रिंकू सिंह और कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर इस कदर चला कि सदियों साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ गया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज के रोंगटे खड़े हो गए। इनकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐतिहासिक पारी खेल डाली। लेकिन फिलहाल इनके बीच एक वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला है, वो आगे चलकर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्रिकेट से जुड़ी हाईलाइट वीडियो और IPL वगैरह देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।